मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मसूरी टेहरी बस स्टैंड पर 3 अवैध रूप से बने भवनों की दुकानों को सील किया गया है। भट्टा गांव और बारलोगंज में भी एक एक भवन को सील किया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता के नेतृत्व में मसूरी में पिछले दिनों हुए अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई है, जिसके तहत मसूरी टेहरी बस अड्डे वुड स्टॉक रोड पर नीसम अहमद के दो मंजिला मकान और एक दुकान को सीज किया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मसूरी में जितना भी इंजीनियरिंग स्टाफ है वो लगातार अवैध निर्माणों का केस पर नजर रखा रहता है। जब भी अवैध निर्माण की कोई भी नज़र में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल वर्तमान में आप देख रहे हैं ये टीरी बस अड्डे पर लगातार 3 निर्माण हैं। इन्होंने बिना मानचित्र स्वीकृत करके निर्माण कार्य शुरू किया था, जिस पर इनके खिलाफ प्राधिकरण की अधिनियम धाराओं के सुसंगत धाराओं के अंदर कार्रवाई की गई थी, परंतु इनके द्वारा फिर भी निर्माण कार्य जारी रखने के कारण SDM / ज्वाइंट सेक्रेटरी MDDA द्वारा इनके सीलिंग के आदेश पारित किए गए हैं। उन्हीं आदेशों के क्रम में आज इन 3 निर्माणों को सील किया गया है। अन्यथा और किस निर्माणों को सील करने जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई क्या है सर? और भी लगातार ये अभियान जारी रहेगा। अभी बारलोगंज में एक होटल के कमरों का को सील किए जाने के आदेश हैं। इसके अलावा भट्टा में एक अवैध निर्माण जो बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है उसको भी सील करने के आज ही आदेश हैं। तो इन 5 निर्माणों को आज सील किया जाएगा। मसूरी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें कोई भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अवैध निर्माण किया जाएगा उसको जो है सील / ध्वस्तीकरण की कार्रवाई